रुबीना दिलायक के बेमिसाल 11 साल। जी हाँ, टीवी स्टार रुबीना दिलायक ने टीवी इंडस्ट्री में सक्सेसफुली पूरे कर लिए हैं 11 साल। और खुशी के इस पल को सेलिब्रेट करते हुए रुबीना ने शेयर किया है अपना एक वीडियो मैसेज अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपने फैंस के लिए, जिसमें रुबीना ने सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। आई फील ट्रूली ब्लेस्ड फॉर कम्प्लीटिंग 11 एंटरटेनिंग ईयर्स। A small town girl realizing her dreams. Life gave me a path in 2008 to find my purpose, and I'm so very happy to share this purpose of my life, which is to serve through entertainment. And I truly feel blessed that I've reached so far, and I'm not going to cease here. I'm going to work even more harder and entertain you throughout my life. Thank you so much. Thank you. सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आ सकता है लाफ्टर का डबल डोज। जी हाँ, तारक मेहता के फैंस के लिए है एक गुड न्यूज। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, तारक मेहता में आने वाला है एक ऐसा ट्विस्ट जिसका किसी ने कभी अंदाजा भी नहीं किया होगा। क्लोज सोर्सेज की माने तो जिन्हें अब तक आपने फोन पर सुना है, कभी शो में देखा नहीं, यानी कि दया बेन की माता जी, जो सिर्फ नए नए आइडियाज और सॉल्यूशन देती हैं फोन पर सबको, उनकी जल्द शो में हो सकती है एंट्री। क्योंकि शो में आ गया है एक ऐसा मोड़ जहां जेठालाल को बुलाना पड़ गया अपनी सासू माँ को। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जो सुनने में इतनी इंटरेस्टिंग है वो देखने में कैसी होंगी और कौन होंगी। इसके लिए भी बने रहिए हमारे साथ फॉर अपडेट्स। वॉच ईटाउन न्यूज़ मंडे टू फ्राइडे एट 9:30 PM ओनली ऑन जूम।